नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरव। लगातार मजदूर बिहार से बाहर जो रह रहे हैं वो वापस आ रहे हैं। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से उन्हें वापस लाया जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ बिहार में कोरोना का खतरा भी बढ़ने लगा है। अब तक 582 मामले सामने आए हैं, जिसमें जो तत्काल नए मामले आए हैं उसमें मजदूरों से संबंधित मामले हैं। लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर ये है कि इन मजदूरों को जिस क्वारंटीन सेंटर में क्वारंटीन किया जाता है वहां से ये भागने लगे हैं। इस वक्त की खबर नवादा से है। नवादा के सिरदल्ला क्वारंटीन सेंटर से 70 मजदूर भागे हैं, और इसके बाद यह खतरा इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि एक दिन पहले यहीं से एक कोरोना पॉजिटिव मिला था, जिसके बाद से अब यह समझा जा सकता है कि ये 70 मजदूर जो भागे हैं ये बिहार के लिए कितना बड़ा खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर है, नवादा के सिरदल्ला क्वारंटीन सेंटर से 70 मजदूर भाग गए हैं। हालांकि इससे पहले भी कटिहार में कुछ मजदूर भागे थे, कुछ जिन लोगों को क्वारंटीन किया गया था वो सब भाग गए थे, और इसके पीछे वजह बताई गई थी कि उन्हें न रहने के लिए बेड की व्यवस्था थी, न खाने पीने की इंतजाम किए गए थे सही ढंग से, जिसके बाद ये लोग भागने पर मजबूर हो गए थे, लेकिन बाद में उन्हें पकड़ लिया गया था। लेकिन इस वक्त की जो खबर है वह बेहद खास इसलिए है क्योंकि जहां से ये लोग भागे हैं वहां से एक कोरोना पॉजिटिव मिले थे, जिसके बाद अब यह खतरा काफी बढ़ सकता है। तो 70 प्रवासी मजदूर जो बाहर से वापस लौटे थे, तो 70 प्रवासी मजदूर जो क्वारंटीन किए गए थे वो भाग गए हैं, तो इससे कितना बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है ये आप समझ सकते हैं। बहरहाल आप सतर्क रहें और बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।